रहा यार। आज हम लोगों के प्रदर्शन का 15वां दिन है। हम लोग लगातार 17 तारीख से बराबर आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच बिठा रहे हैं। जांच कितने दिन में होगी? क्या पीएमटी ऐसी 17 साल तक चलेगी? हमारी नौकरियां तो खा गए। वो शिवराज मामा उस दिन बोल रहे थे कि हम जो है फॉर्म में हैं और भ्रष्टाचारी और जो माफिया है ना जमीन में गाड़ देंगे। अब कहाँ गई उनकी फॉर्म? अब क्यों मुंह फुला रहे हैं? वो कहाँ गए वो माफिया जिन्होंने पेपर बेचा है? ऐसे ऐसे लोगों ने पेपर में टॉप किया है जिन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता ढंग से, और व्यापम के पूर्व में भी वो फर्जी रहे हैं। हमारी ये मांग है कि ये पीवी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए इनको। हमारी सरकार से कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, ये हमारी सरकार है। लेकिन ये कैसी तानाशाही हो रही है कि एक तरफ तो भ्रष्टाचार हो रहा है, दूसरी तरफ आश्वासन देके कोई आवाज़ तक सुनने को तैयार नहीं है हम लोगों की। हम 17 तारीख से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज हमने स्टेशन से लेके फुलवाग तक रैली निकाली है। हम सभी लोग यहाँ धूप में बैठे हुए हैं अर्धनग्न होकर। हमारा सिर्फ यही संदेश है कि सरकार ये तो क्लियर करे कि कितनी दिन में जांच होगी इसकी, और हमारा ये एग्जाम है वो तो अधर में लटका दिया है। कितने दिन में रिकंडक्ट करा रहे हो? दोबारा एग्जाम कितने दिन में होगा? अभी आंदोलन और आगे जाएगा, और नहीं मानते हैं तो हम सब भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं। ये भी हमारे पास एक विकल्प होगा, क्योंकि हमारे लिए लड़ाई जिंदगी और मौत की लड़ाई है। हमारे लिए सिर्फ वर्चस्व प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, जीवन और मृत्यु का सवाल है इसमें हमारे जीवन के साथ।